प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस दीपावली के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है आयुष्मान कार्ड के रिलेटेड। अगर आपकी फैमिली में आपके माता पिता दादा दादी में से कोई भी 70 साल से एज के ऊपर का है तो अब आप उनका घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से इंस्टेंटली एक मिनट के अंदर आप उनका आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 70 साल से ऊपर उम्र वालों के लिए भी आयुष्मान कार्ड को बनवाने की शुरुआत कर दी है। ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। इस न्यू अपडेट के मुताबिक अगर लिस्ट में नाम नहीं है तब भी आप अपने आयुष्मान कार्ड को क्विकली बना पाएंगे। देश का हर एक नागरिक जिसकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मध्यम या उच्च वर्ग का हो, सभी को आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जाएगा जिसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। आयुष्मान कार्ड को बनवाने के लिए अब तक काफी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे जिनकी उम्र 70 साल से अधिक थी या 70 साल से कम की थी। काफी लोगों के आज की डेट में भी आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए हैं और उसका रीजन होता है कि भाई आपका नाम लिस्ट में नहीं है जिसके कारण आप अपने आयुष्मान कार्ड को आज तक नहीं बनवा पाए हैं। लेकिन अब आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग पुरुष या महिला है तो आप उनका आयुष्मान कार्ड बिना लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी उनका आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। इसकी परमिशन जी ने अब दे दी है और इस सीनियर सिटीजन आयुष्मान कार्ड को बनाने के लिए आपको किसी भी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह काम आप घर बैठे खुद ही कर सकते हैं। इसका अभी एक छोटा सा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा, क्या आपको आधार कार्ड का नंबर एंटर करना पड़ेगा या आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना भी जरूरी है या फिर कोई और भी नंबर के साथ आप इसको बना सकते हैं। इसकी कंप्लीट जानकारी अभी आपको मिलने वाली है। तो अभी मैं आपको सिस्टम की स्क्रीन पर लेके चलता हूं जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई कौन सी वेबसाइट है, गवर्नमेंट ने कौन सी वेबसाइट को लॉन्च किया है जिस पर इस आयुष्मान कार्ड को आप बना सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन या सिस्टम के गूगल पर टाइप करेंगे आयुष्मान कार्ड। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहां पे आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी पोर्टल लिखा हुआ है। इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले आपको यह मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा कि अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान। अब यहां पर देखिए, यहां पे आप देख लीजिएगा, यहां पे बेनिफिशियरी और ऑपरेटर दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो यहां पर आप सबसे पहले बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को चूज करके इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे। उसके बाद यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके द्वारा एंटर किए गए नंबर पर 6 अंकों का एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहां पे एंटर करेंगे एंड देन इस कैप्चा कोड को यहां पे फिल करेंगे और फाइनली लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पे आपको मैसेज मिल रहा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फॉर सीनियर सिटीजन ऑफ द एज ऑफ 70 ईयर्स एंड अबव। यानी कि अब इस पोर्टल के माध्यम से आप 70 साल से ऊपर के महिला पुरुष सभी के आयुष्मान कार्ड को आप जनरेट कर सकते हैं क्विकली एक मिनट के अंदर। अब इसको अप्लाई करने के लिए आप देखेंगे यहां पे क्लिक है टू अप्लाई एनरोल लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर आप इस पोर्टल के माध्यम से आपके 70 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति के आधार कार्ड के नंबर को यहां पे एंटर करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे। यहां पे आप फैमिली आईडी आप देख पा रहे हैं कि फैमिली आईडी को मैंडेटरी नहीं यहां पे ऐड करना, अगर आपके पास है तो आप यहां पे इसको एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज आधार कार्ड का नंबर एंटर करके इस कैप्चा कोड को यहां पे फिल करेंगे। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आपका सर्च का बटन आ जाता है। अब यहां पे आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। सर्च करने के बाद आप देखेंगे सबसे लास्ट में यहां पर आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन आ जाएगा जिसके साथ में आपको लिखा हुआ मिलेगा नो रिकॉर्ड्स फाउंड लिंक्ड टू योर आधार नंबर। यानी कि आपका जो आधार नंबर है वो अभी तक किसी भी आयुष्मान कार्ड से लिंक नहीं है, यानी कि इस आधार नंबर पर कोई भी आयुष्मान कार्ड अभी नहीं बना है। तो यहां पे क्लिक हेयर फॉर फ्रेश एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पे ईकेवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला रहेगा आधार ओटीपी, फिंगरप्रिंट्स और आईरिस स्कैन। तो यहां पर आप खुद से अगर बना रहे हैं तो आधार ओटीपी वाले ऑप्शन को ही चूज करेंगे। उसके बाद यहां पे आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक आपको शो कर रहे हैं जिसके आगे वेरीफाई लिखा हुआ है। तो यहां पर आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे जहां पे लिखा हुआ है यस आई विश टू क्रिएट। उसके बाद आप अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है जिसके लास्ट के 4 अंक यहां पर आपको शो कर रहे हैं, इस नंबर पर आधार ओटीपी गया हुआ है, यानी कि यूआईडीआई की तरफ से 6 अंकों का एक ओटीपी गया होगा। और जिस मोबाइल नंबर के माध्यम से आपने इस पोर्टल को अभी लॉगिन किया है तो वहां उस पर भी एक ओटीपी गया है। तो उस ओटीपी को आप यहां पे एंटर करेंगे और आधार वाले ओटीपी को यहां पे एंटर करेंगे। इन दोनों ओटीपी को जैसे ही यहां पे आप एंटर कर देंगे उसके बाद आपकी जो ईकेवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। और एक बार ईकेवाईसी कंप्लीट होने के बाद इंस्टेंटली तुरंत के तुरंत आप इसी वेबसाइट के माध्यम से अपने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड भी कर पाएंगे।
अभी इस वीडियो में मैं आपको इतना ही प्रोसेस बता रहा हूं, क्योंकि आगे जो हम प्रोसेस करेंगे उसके बाद यहां पर बेनिफिशियरी का जो एक फोटो यहां पे लाइव लेना होता है, तो जिनका आधार कार्ड का नंबर यहां पे मैंने एंटर किया है वो यहां पे अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस अभी नहीं हो पाएगा। इसके नेक्स्ट अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको कि कैसे आप इसको जनरेट करेंगे और कैसे आप आयुष्मान कार्ड को इंस्टेंट जनरेट करने के बाद डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस प्रकार से किसी भी सीनियर सिटीजन का मोबाइल या सिस्टम के माध्यम से आयुष्मान कार्ड को अप्लाई करके बनाना काफी आसान है। ओवरऑल अब आप घर बैठे किसी भी 70 साल से अधिक उम्र वाले पुरुष या महिला का आयुष्मान कार्ड आप तुरंत बना पाएंगे। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि भाई आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है, आप कितने अमीर और कितने गरीब हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी ने इस बार दिवाली के इस मौके पर आप सभी को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। अब इस प्रकार से आपके घर में जितने भी बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 70 साल से अधिक है, उनका आयुष्मान कार्ड बनाइए और अपना पैसा बचाइए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।